नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जेबीसी ब्रेकिंग में। फाइनली दोस्तों, टाइगर थ्री में आप लोगों को जो कि एक और नया चेहरा देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि शाहरुख खान भी इस फिल्म में आप लोगों को एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे टाइगर थ्री मूवी के बॉक्स ऑफिस प्रोडिक्शन के बारे में, और वहीं आप लोगों को बताएंगे कि टाइगर थ्री मूवी अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर क्या रिस्पॉन्स दिखाएगी, और साथ ही साथ टाइगर थ्री मूवी को ऑडियंस के बीच में कितना ज़्यादा क्रेज बना हुआ है, और वहीं इस फिल्म को देखने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग पे बने रहें ताकि हमारी इसी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। तो आप लोगों को बताइए चले कि सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर मूवी को जिस तरीके से ऑडियंस ने प्यार दिखाया था और जिस तरीके से सपोर्ट किया था, जोरदार और धमाके तरीके से बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन भी किया था। आप लोगों को बताइए चले कि एक था टाइगर मूवी ने भी अच्छा खासा कलेक्शन किया और ऑडियंस के बीच में अच्छा खासा बस बना के रखा, इसी कारण इस फिल्म को भी जोरदार और शानदार तरीके से जो कि ऑडियंस के बीच में बस बना हुआ है। हालांकि एक था टाइगर में कैटरीना कैफ भी आप लोगों को एक्शन करते हुए नजर आई थी, और वहीं सलमान खान भी जो कि जोरदार और धमाकेदार तरीके से एक्शन करते हुए नजर आए थे। दोस्तों एक था टाइगर बहुत ही जोरदार और शानदार फिल्म थी, और वहीं दोस्तों टाइगर थ्री मूवी का अनाउंसमेंट कर दिया गया है और इसके एक टीजर को भी रिलीज कर दिया गया है, और टीजर को ऑडियंस ने देखा और ऑडियंस ने जोरदार और शानदार तरीके से रिव्यू दिए, और साथ ही साथ सलमान खान की बहुत ही ज़्यादा तारीफ भी करी क्योंकि सलमान खान की हर फिल्में जोरदार और दमदार होती है। वहीं बात करें इस फिल्म में दो नए चेहरे कौन दिखने वाले हैं, तो आप लोगों को बताइए चले कि जो कि शाहरुख खान भी इस फिल्म में आप लोगों को एक्शन करते हुए नजर आएंगे, और वहीं इमरान हाशमी इस फिल्म में आप लोगों को जो कि सलमान खान के साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि टाइगर में और एक था टाइगर में चेंजेस किए गए थे, और वहीं टाइगर थ्री में भी चेंजेस किए गए हैं, कुछ नए स्टार कास्ट ली गई है, लेकिन जोरदार और शानदार तरीके से इसमें आप लोगों को एक्टिंग भी देखने को मिलेगी और एक्शन तो भरपूर देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में, तो आप लोगों को बता दें कि यह फिल्म 10 नवंबर के दिन सिनेमा घरों में रिलीज होगी, लेकिन आप लोगों को बताइए चले कि यह बहुत ही जोरदार और शानदार होने वाली, इसकी रिलीज डेट में चेंजेस भी हो सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, थी यह फिल्म अपने पहले दिन 70 से 80 करोड़ रुपया कारोबार कर सकती है, क्योंकि दोस्तों आप लोग बता दें कि टाइगर और वहीं एक था टाइगर को अच्छा खासा रिस्पांस मिला था, इसी कारण टाइगर थ्री को भी जोरदार और शानदार तरीके से रिस्पॉन्स मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, टाइगर थ्री मूवी अपने पहले दिन क्या रिस्पॉन्स दिखाएगी? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और साथ ही साथ हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। धन्यवाद।